नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैल्सिरेट D3 दवा से मिलने वाले फायदे, खुराक, दुष्प्रभाव और ये दवा लेने से पहले क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। तो गाइस, वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छे लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कैल्सिरेट D3 दवा डॉक्टर के पर्ची पर मिलने वाली दवा है। इसकी उत्पादक है सिग्नोबा फार्मा और कॉम्पोजिशन है कैल्शियम 500 mg और विटामिन D3 500 IU। ये दवा क्योंकि यह दवा कैल्शियम और विटामिन D3 का एक कॉम्बिनेशन है जो हमारी हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए फायदेदार होता है। विटामिन D3 हड्डियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करता है और कैल्शियम कोशिकाओं, मांसपेशियों और हड्डियों के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक भी होता है। पैकिंग की बात करें तो कैल्सिरेट D3 दवा 10 टेबलेट की एक स्ट्रिप में होती है और एक स्ट्रिप की प्राइस होता है लगभग 142 रुपये। प्राइस समय के मुताबिक बदलता रहता है। फायदे की बात करें तो कैल्सिरेट D3 दवा ऑस्टियोपोरोसिस के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियों को कमजोर हो कर देती है, पीठ में दर्द होता है, शरीर को झुका हुआ लगता है और थकान महसूस होता है। इस बीमारी को रोकथाम के लिए ये दवा डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। स्वस्थ हड्डियां और दांतों को बनाए रखने में भी ये दवा मदद करता है। ये विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को पूरा करने में मदद करता है। कैल्सिरेट D3 दवा के खुराक अपनी डॉक्टर के सलाह अनुसार ही ले तो बेहतर होगा, क्योंकि डॉक्टर मरीज के आयु, लिंग, वेट को देखते हुए ये दवा निर्धारित करते हैं। आमतौर पर एक टेबलेट दिन में एक बार भोजन के बाद लेना होता है। कैल्सिरेट D3 टेबलेट के सेवन से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे मलती या उल्टी होना, त्वचा की जलन, सूजन या पेट फूलना, कब्ज होना, लो या हाई ब्लड प्रेशर होना, पेट दर्द इत्यादि। लेकिन ये साइड इफेक्ट ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है और एक बार इलाज शुरू होने के बाद अपने आप समाप्त हो जाता है। फिर भी अगर समाप्त ना हो या इससे ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट दिखाई दे तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करें। ये दवा लेने से पहले कुछ सामान्य सावधानियाँ बरतनी चाहिए, जैसे किडनी, लीवर या हार्ट के मरीजों को ये दवा अपनी डॉक्टर के सलाह अनुसार लेनी चाहिए। प्रेग्नेंट और स्तनपान करने वाली महिलाओं को अपने डॉक्टर से बात करके ये दवा लेनी चाहिए। तो गाइस, ये दवा के बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। वीडियो पूरी देखने के लिए नमस्कार, धन्यवाद।